हेलो, गुड इवनिंग। फिर से आ गए हैं आज, तो सबका स्वागत है हमारे चैनल यात्री जोन में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा कि सिंगल नेम दुबई ट्रैवल, सिंगल नेम पे वीज़ा कैसे अप्लाई हुआ। क्योंकि आपको सबको पता होगा जिसने हमारी लास्ट वीडियो देखी थी कि दुबई यूए कंट्री की एक न्यू गाइडलाइन निकली थी कि जिनका जिनका सिंगल नेम है पासपोर्ट पर वो ट्रैवल नहीं कर सकते दुबई। बट हमारा भी सिंगल नेम ही है पासपोर्ट पे। बट तो हमारा वीज़ा आ चुका है दुबई का। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो भी दुबई को इन्फॉर्मेशन के दुबई से रिलेटेड थी कि हमारा वीज़ा कैसे आया सिंगल नेम पे। क्योंकि लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि तुम्हारा वीज़ा कैसे लग गया, सिंगल नेम वालों को तो वीज़ा लगता ही नहीं है। कि कैसे हुआ, कहाँ से लगवाया, तो काफ़ी मतलब अपडेट मांग रहे थे। बट तो वही वीडियो हमने डाली थी, बट ड्यू टू सम पर्सनल इशू करके ना यूट्यूब ने हमारी वो वीडियो डिलीट कर दी। बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट हमारी मिस्टेक थी वो। थोड़ी सी हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी यूट्यूब पे, तो हम थोड़े न्यू कमर है यूट्यूब पे, इतना हमें नहीं पता डिटेल्स की क्या शेयर करना चाहिए क्या नहीं। बट हाँ, धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, तो बस फिर से आ जाए वही इन्फॉर्मेशन दोबारा से अप टू डेट शेयर करने के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, जिन जिन का सिंगल नेम वीज़ा है, जैसे मान लो किसी का नाम है राहुल और उसका सर नेम नहीं है, तो उनका फादर नेम अगर मेंशन है लास्ट पेज पे तो वो ट्रैवल कर सकते हैं। और हाँ, कईयों का ये भी क्वेश्चन था कि फादर नेम के आगे सर नेम नहीं है और हमारा भी सर नेम नहीं है तब भी मतलब वीज़ा लग जाएगा, तो हाँ उसका जवाब भी है, हाँ उसका वीज़ा भी लग रहा है। क्योंकि सेम इशू हमारी डॉटर का भी था, तो उनका भी वीज़ा आ चुका है, गुड़िया का भी वीज़ा आ चुका है, उस पर भी सिंगल नेम था, मदर का भी फादर का भी। तो मान लीजिए आपका नाम है राहुल, आपके फादर का नाम है मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लो, तो आपका जो वीज़ा आएगा राहुल एक्स वाई जेड जो आपका फादर नेम होगा उसके नाम से आएगा वीज़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी RT-PCR कोविड वगैरह अभी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बस वीज़ा है और होटल बुकिंग्स है, बस ये अपना करवाओ और चले जाओ। चलो, बाकी जो टिकट्स है राउंड ट्रिप हमें हमारे को 15K पड़ी पर पर्सन, और बाकी हमारा वीज़ा था तो वो 6700 रुपीज़ पर पर्सन लगा था, और बाकी आगे हम डिटेल आपके साथ शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो आपकी दुबई की जो न्यू गाइडलाइन है उसके रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे, जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है आपके तक पहुँचाएँगे। और दूसरा जो टॉपिक था, आपने वीज़ा कहाँ से लगवाया? वीज़ा कहाँ से लगवाया, कईयों का ये भी क्वेश्चन था कि वीज़ा कहाँ से लगवाया, कितने दिन में वीज़ा आ गया। तो हमने वीज़ा लगवाया था MMT से, तो आप भी वहाँ से वीज़ा लगवा सकते हो, काफ़ी अच्छी सर्विसेज है उनकी, और हमारा 1 वीक के अंदर आ गया था वीज़ा। हाँ जी, मतलब 6 to 7 वर्किंग डेज के अंदर वीज़ा हमारा आ चुका था। तो पहले तो सिर्फ मेरा वीज़ा आया था, लेकिन मेरे को डर था कि मेरी वाइफ का भी और मेरी डॉटर का वीज़ा नहीं आया था कि कहीं उनका रिजेक्ट तो नहीं हो गया, लेकिन उनका 1 से 2 दिन डिले हुआ, लेकिन उन दोनों का वीज़ा भी आ चुका था। बाकी जो भी आपकी क्वेरी होगी आप कमेंट कर देना, हम ज़रूर आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। हम एक्टिव रहते हैं ज़्यादातर यूट्यूब पर ही, तो आप यूट्यूब पर ही आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी कर देना कमेंट, लेकिन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, वीडियो को, ये वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि बहुत लोगों तक पहुँचे, वो बिल्कुल भी अप टू डेट। पिछली वीडियो हमारी कुछ पर्सनल रीज़न से डिलीट हो चुकी थी, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली वीडियो चलो हमने दोबारा डाल दें इसमें, ताकि लोगों को जो जानकारी है वो मिलती रहे, और बाकी जो है जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, हमें बहुत ज़रूरत है। बाकी प्रेरणा कुछ कहना चाहोगे आप? मिलेंगे, अब हम मिलेंगे, आई थिंक दुबई मिलेंगे आपको, तब तक के लिए बने रहिए हमारे जी। हमारी 9 फरवरी की फ्लाइट है, आप भी जल्दी से जल्दी उस जो रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब करना, ताकि जल्दी से जल्दी आपको हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टेक केयर, बाय बाय।